अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने बाकी जो आर्टिलियर या हमारे जो एरिदमियाज़ हैं उनको हमने डिटेल में देखना है। तो आप लोगों ने ये लेक्चर देखना है। पिछले लेक्चर के अंदर जो कुछ आप लोगों की एम्बिगिटीज़ या कोई क्वेश्चन था, आई होप के वो आप लोगों के इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगे। लिहाजा इस लेक्चर को सुन के फिर पीछे वाले लेक्चर को भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, और अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आपने मुझे बताना है। अच्छा, ईसीजी का आज ये लास्ट लेक्चर होगा, और क्योंकि ईसीजी के एक्सेस वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और बाकी जो कुछ डिटेल हमें इस एनेस्थीसिया के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके बाद हम एक जो है वो क्लास अरेंज करेंगे जूम के ऊपर, जहाँ पर मैं इंडिविजुअली आप लोगों से वाइवा वगैरह लूँगा, जिसके अंदर हमारा क्लियर हो जाएगा कि ईसीजी को हमने अपनी एनेस्थीसिया के अंदर यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ज़रा अगर इस ये जो ईसीजी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इसके अंदर अगर आप फोकस करें तो इन दो पी और ये दो जो आर वेव्स हैं इनके दरमियान हम देखते हैं कि कितने बक्सेज हैं, एक दो और ये तीन, तीन लार्ज बक्सेज जो है वो इसके अंदर, मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट वन के अंदर जो है वो तीन लार्ज बक्सेज हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वन को हम देखते हैं, एक और दो, सेकंड वन के दरमियान जो है वो फिर आपके पास दो लार्ज बक्सेज आ जाते हैं। फिर थर्ड वन जो आपके पास है वो एक दो तीन और ये चार। ठीक है जी, अगर आप इसको हाफ हाफ पे लगा लें तो फिर भी आपके पास जो है वो ये बनते हैं, मतलब तीन बनते हैं, हाफ हाफ ना भी लगाएं, चले हम इसको हाफ हाफ लगा लेते हैं, तो ये तीन लार्ज बक्सेस मज़ीद आ गए। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आप देखें अगर, तो इन दो के दरमियान एक दो तीन और चार, फिर आपके पास जो आते हैं वो कितने हैं जी, चार लार्ज बक्सेस हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट आप देखें तो एक दो तीन, फिर जो है वो आपके पास कितने तीन लार्ज बक्सेस हैं, और फिर अगर आप देखें तो इसके एक दो तीन के बाद एक दो, और फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो, यानी आप देखते हैं कि कोई एक सीक्वेंस रिदम नहीं है, इसमें कोई एक सीक्वेंशियल रिदम नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके पास बनता है इरेगुलरली, इरेगुलर एक रिदम बनता है। ठीक है, और देखें जब आपके पास इरेगुलरली इरेगुलर रिदम है तो आप जनरली कोई भी वेव जो है वो उस तरह से नहीं लिख सकते कि इन दो के दरमियान देख लूँ तो मुझे एग्जैक्ट रेट तक मिल जाएगी। इन दो मसलन अगर आप आपके पास जो है वो अब आप इसका अगर रेट कंसिडर करना चाहें अभी, यानी कि अगर इसका आप रेट फाइंड करना चाहें, तो रेट फाइंड करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी कि सपोज़ करें पहले तीन को आप अगर आप डिवाइड करते हैं 300 पे, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास 100 रेट आ जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, फिर दो हैं तो दो पे डिवाइड करके 150 आ जाएगी, यानी फिर चार हैं तो चार पे डिवाइड करके आपके पास 75। ये इश्यूज़ जो हैं वो जो आपके सामने आ रहे हैं ये नहीं हो सकते। लिहाजा जनरली अब आपके पास जो जो रेट कंसिडर की जाएगी, ये जो रेट आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न के अंदर जो मिलती है वो मोर देन जो है वो 300 ही होती है। ठीक है, हार्ड रेट जो होती है, क्योंकि ये इरेगुलर पैटर्न है, ये जो पैटर्न है वो कोई पैटर्न शो नहीं कर रहा कि भाई इस हार्ड रेट अभी ये चल रही है, अभी वो चल रही है, ये लार्ज, यानी कि आप ना तो इसको कंसिडर करके फाइंड कर सकते हैं ना इसको कंसिडर करके फाइंड कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हार्ड रेट मोस्टली जो है वो 300 और मोर देन 300 बीट्स पर मिनट होती है, क्योंकि हार्ट जो है फिब्रिलेट कर रहा है, यूँ 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 फिब्रिलेट कर रहा है। ठीक है जी, पी वेव इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे अगर आप इसकी पी वेव फाइंड करना चाहें तो देखें पी वेव इसके अंदर, यहाँ पे आपको ये तो पी वेव मिल रही है यहाँ पे, लेकिन कोई उस तरह की पैटर्न वाइज नहीं है। यहाँ पे पी वेव डिप्स में आ रही है नीचे, यहाँ पे पी वेव जो है वो उस तरह के एक बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे पी वेव चलो एक बॉक्स के अंदर है, फिर जो है वो एक मिनट में इसको इधर देखें, तो पी वेव का भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल शेप के अंदर ये नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो ऑर्गेनाइज एट्रियल डिप्रलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किस्म की जो है वो पी वेव नहीं जनरेट होती, नो नॉर्मल पी वेव, इम्पल्स आर ओरिजिनेटेड फ्राम द साइनस नोड, चले वो एक टॉपिक पोजिशन कोई नहीं होती, यानी कि फॉल्स जो है वो इसके अंदर साइनस वगैरह नहीं बने होते। द आर्टेरियल रेट इज़ मोर देन 300 बीट्स पर मिनट, और
एट्रियल एक्टिविटीज़ को हेडेक रेगुलरली रिजल्टिंग इन द इरेगुलरली इरेगुलर रेट, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इरेगुलरली इरेगुलर जो है वो पैटर्न होता है, ठीक है। कॉमन इफेक्ट जो होता है ये मोस्टली ओल्ड एज के अंदर ये होता है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही होती, इरेगुलरली इरेगुलर आर वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। हम किसी एक को भी जो है वो नॉर्मल या स्टैंडर्ड मान के हार्ट रेट को फाइंड नहीं कर सकते। लिहाजा नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है, ये जो सॉरी नॉर्मल वर्ड यूज़ कर, इसके अंदर हार्ट रेट जो होती है वो मोर देन जो है वो रहती है 300 रहती है, ठीक है। और जो एट्रियम होता है वो लाइक का जो है वो फ्लटर इस तरह से वेव कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट एक वेव ऑसिलेट कर रहा होता है, जिस तरह से जो है वो आप अगर पेंडुलम को छोड़ दें तो वो जिस तरह से ऑसिलेशन उसकी होती है, उसकी इस तरह की ऑसिलेशन होती है, ठीक है। और अगर कार्डिक मॉनिटर के अंदर ईसीजी आप देखेंगे कभी इसकी, तो इस तरह की टाइप की आपको जो है वो यूं 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 इस तरह की जो टाइप की ईसीजी मिलेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है आर्टेरियल फ्लटर, ठीक है जी। तो वर्ड जैसे खुद शो करना, फ्लटर का मतलब होता है कि यूँ फ्लैट, मतलब कोई एक सीक्वेंस चीज़ नहीं है। जिस तरह से एक अगर आप देखें मोमबत्ती जल रही तो उसका जो फ्लेम जो फ्लटर कर रहा होता है इधर उधर जा रहा होता है, उस तरह की जो होती है, ठीक है। आप इससे सिंपल जो बात के ले सकते हैं वो होती है कि यानी कि कोई पैटर्न नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हम वर्ड के ऊपर अगर नेम लिखे, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि नेम शोज़ कि एट्रियम फ्लटर कर रहा है, एट्रियम जो है वो बाकी हार्ट का कोई पोर्शन नहीं फ्लटर कर रहा, एट्रियम फ्लटर कर रहा है, यानी कि ये एट्रियम है ये ऊपर वाला, इसकी कंडक्शन जो है वो फ्लटर कर रही है। इसे मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही, कोई स्पेसिफिक जो है वो क्या फॉलो नहीं कर रही, सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही। अब एट्रियम की कंट्रक्शन यानी कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एट्रियम ऑफ द हार्ट डज नॉट हैव अ सीक्वेंशियल एक्टिविटी, यानी कि जैसे हम मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि सपोज करें अगर एट्रियम यानी अभी कंट्रैक्ट हुआ है, तो अभी कंट्रैक्ट होने के 30 सेकंड बाद अगर उसने फिर कंट्रैक्ट होना हो, ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस को फॉलो अगर ना करें, 30 सेकंड के बाद ये कंट्रैक्ट होने के बजाय 60 सेकंड के बाद कंट्रैक्ट करे, या मोर देन 60 सेकंड कंट्रैक्ट करे, या लेस देन 30 सेकंड कंट्रैक्ट करे, तो ये कोई सीक्वेंस फॉलो ना करे, तो इस तरह की जो मूवमेंट है एट्रियम की, इसको हम नाम देते हैं फ्लटरिंग का, ठीक है। और एट्रियम हैज़ फ्लटरिंग मूवमेंट और द एक्टिविटी, ठीक है। पी वेव, क्योंकि एट्रियम की जो कंट्रैक्शन होती है उसको हम शो करते हैं किससे, पी वेव। तो लिहाजा जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो किसके साथ होंगे, पी वेव के साथ होंगे। पी वेव ऑफ द ई सी जी शोज़ डिप्लोराइजेशन ऑफ द एट्रियम, सो द प्रॉब्लम विद ई सी जी, पी वेव जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, और पी वा इंटरवल इन दोनों के साथ जो है वो प्रॉब्लम होंगे, ठीक है जी। अब देखें आप कि ये जो ई सी जी है, फॉरगेट आप ये जो नीचे रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं इनको थोड़ी देर भूल जाएं अगर आप, तो देखें आप खुद से रेट फाइंड करें कोई भी। सबसे पहले आप रेगुलरिटी देखें, रेगुलरिटी के लिए आप ये जो दो बॉक्स हैं इनके दरमियान देखें, 1 2 3 4, और आप इसको जो है वो इन्हीं दो के दरमियान देखें, 1 2 3 1 2 3 4, और ये 5, ठीक है जी। फिर इसी तरह से 1 2 3 4, और ये 5, और सिमिलरली 1 2 3 4, ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखें ये हाफ है और ये वाला हाफ, ये दोनों मिलके जो है पूरा कर देंगे ना, 1 2 3, 3 ये हो गए, ठीक है। और इसी तरह से हाफ ये वाला और हाफ ये वाला, ये मिलके आपके पास जो यहाँ पे बॉक्स बने इन दो के दरमियान ये 4 बॉक्स बन गए, ठीक है जी। सिमिलरली आप देखें अगर, तो इसके दरमियान 1 2 3 और ये क्या है जी, 4 4, और ये 1 2 3 लार्ज बॉक्स, और हाफ ये और हाफ ये, इधर भी इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 4 लार्ज बॉक्स बना दिए, ठीक है। सिमिलरली सॉरी, ये इधर वेवला, इसी तरह से 1 2 और 3 और 4, ये भी 4 हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये भी 4 हैं, सो ऑन। इनके दरमियान जो रिदम है वो सेम है, क्योंकि सबके दरमियान जो वेव्स आ रही हैं या जो बॉक्स हैं वो कितने हैं, 4 है, रेगुलरिटी है इसके अंदर। और अगर आप 300
डिवाइडेड बाय जो है वो 4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट जो है वो 70 और 75 आएगा। ठीक है जी, 75 तक हार्ट रेट हमारे मुताबिक जो है वो ये रेगुलर है और हार्ट रेट जो है वो 70-75 होगा। पी वेव अब आप फोकस करेंगे अगर इसकी, तो पी वेव को आप यहाँ देखें, ये है इसकी पी वेव, ये ठीक है, ये पी वेव ठीक है। अब देखें ये लाइक सा ट्रुथ बन रहे ना, ये जैसे एक दरांती के होते हैं वो, ठीक है, या किसी सावड के जो हो वो ट्रुथ हो, या किसी इस तरह की चीज़ आरा जो हम कहते हैं उसकी हो, तो इसके स्मॉल बॉक्स आप देखें 1 2 3 4 5, इधर ये 5 के अंदर जाके बन रही है, 1 2 3 4 5 और इधर 6 के अंदर जाके बन रही है। ठीक है, इधर फिर आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 के अंदर जाके इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो ये फ्लटरिंग इसकी जो है वो एक कंडीशन बनी होती है, लाइक फ्लटर जो है वो बन रही है वेव। ठीक है जी, इसी तरह से अब पी वेव इंटरवल, पी आर इंटरवल अगर हम देखें तो पी वेव हम जो है वो शो कर, पी आर इंटरवल हम कहाँ से देखते हैं, जहाँ से पी वेव शुरू हुई, ठीक है जी, और जहाँ से आर वेव शुरू होती है। अब देखें ये यहाँ पे मूवी इस तरह से कर रही है, यहाँ से शुरू हुई और फिर ये ऐसे आके जो है जा रही है, तो यहाँ पे पी और आर के दरमियान का डिस्टेंस जो है इस तरह से फॉलो करना या फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी नहीं है, ये वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये तो प्रॉपर कोई एक वेव हो तो बंदा फाइंड करे ना, ये तो ये भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, इस तरह से फ्लटर कर रही है, तो ये जो है वो हमें इसका पी और आर के साथ कोई इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा, जिसकी वजह से पी आर इंटरवल ही नहीं होता। जब पी आर इंटरवल नहीं है तो आप लोगों को फिर क्या मैसेज मिलता है, पी आर इंटरवल ना होने से मुराद है कि भाई कोई पता नहीं है कि करंट जो है वो एट्रियम के अंदर से गुजरते हुए उसने कितना टाइम लगाया और आगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर उसने कितना डिले किया। ठीक है जी, यानी ये एक हमें क्लियर मैसेज मिलता है ऐसे। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें जो पता चलता है कि पी आर इंटरवल का ना होना मुराद क्या है, कि भाई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर उसकी डिले और एट्रियम के अंदर उसकी जो मूवमेंट थी करंट की उसका कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास हमारे पास जो पी वेव वो फ्लटर कर रही है, पी आर इंटरवल हमारे पास नहीं है। क्यू आर एस ड्यूरेशन अगर आप देखें तो क्यू आर एस ड्यूरेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 2 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ये बन रहे हैं, 2 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ये बन रहे, तो डेफिनेटली आप इसको करेंगे या आप इसको अगर मोर सिक्वेंसली देखें, क्लियरली देखें, तो पी वेव जो है वो हाफ के अंदर बन रही है, ये वाला अगर आप देखें ना, यहाँ से ये शुरू हो रहा है तो ये इसके अंदर जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 स्मॉल बॉक्स के अंदर बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से 1.5 स्मॉल बॉक्स को आप अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से, तो ये आपको आंसर देगा 0.06। ठीक है, 0.0 यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 0.04 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, ये 0.06 आएगा जो यहाँ पे दिया हो, जो कि नॉर्मल है। तो इस तरह से जो आपके पास इंटरप्रिटेशन बनती है वो क्या है जी, आर्टेरियल फ्लटर। तो बच्चों आप लोगों को जो पता चला कि एट्रियल फ्लटर के अंदर हार्ट रेट नॉर्मल होती है, रेगुलर रिदम होता है, आर वेव नॉर्मल होती है, यानी कि जितना भी काम है उसका वेंट्रिकल के साथ वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, प्रॉब्लम जहाँ पर होता है वो आके किसके साथ होता है, वेंट्रिकल एट्रियम के साथ, एट्रियम क्योंकि टोटल पी वेव से बनता है शो होता है, तो सारे प्रॉब्लम किसके साथ होंगे, पी वेव के साथ होंगे। अगर पी वेव शॉर्ट रुथ लाइक इस तरह से फ्लटर कर रही है और उसके साथ जो है वो पी आर इंटरवल ठीक नहीं है, तो इससे पता चलेगा हमें कि ये क्या है जी, एट्रियल फ्लटर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है सॉरी बच्चों, मुझे क्योंकि फ्लू है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, तो उस वजह से मुझे रुकना पड़ा बीच में। तो हम बात कर रहे थे हार्ट ब्लॉक की, तो हार्ट ब्लॉक हमारे पास, हार्ट विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बेसिकली अगर आप देखें तो ये एट्रियम है, ठीक है जी,
ये पूरा हार्ट है, इसके अंदर ये एट्री वेंट्रिकुलर नोड है, सॉरी ये साइनस नोड है, ठीक है जी। ये इसके अंदर नीचे ये मैं अगर इसको प्रॉपर बनाऊँ तो ये जो है वो आपके पास एवी नोड है, तो इसके आगे बंडल ऑफ एस और प्रोकेंजी फाइबर वगैरह वगैरह जो भी है, यहाँ पे इंटर नोडल ब्रांच हो सकती हैं, ठीक है। आपको पता है करंट जनरेट होता है ये साइनो एट्रियल नोड से, फिर इंटर नोडल ब्रांचेस से ये आ जाते हैं एवी नोड के ऊपर, एवी नोड के ऊपर थोड़ा सा डिले होने के बाद ये बंडल ऑफ एस और फिर प्रोकेंजी फाइबर एट्सेट्रा पूरे हार्ट के अंदर ये चला जाता है। तो अब अगर हार्ट ब्लॉक की हम बात करते हैं, तो हार्ट का ब्लॉक जो होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है ये ब्लॉक होती है, और इसको हम किसका नाम देते हैं, हार्ट ब्लॉक का नाम देते हैं, ठीक है जी। हार्ट ब्लॉक की तीन टाइप हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और फिर क्या जी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के आगे दो टाइप्स हैं, मोबिड्स टाइप वन, यानी इसको हम पूरा अगर पढ़ें तो हम लिखते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिड्स टाइप वन, और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिड्स टाइप टू, ठीक है। मोबिड्स जो है टाइप वन और टाइप टू, इसकी दो जो है टाइप्स होती है। चलें हम इसको जो है वो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप वन, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो टाइप टू, और उसके बाद जो है वो इसी तरह से थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी ब्लॉकेज होती है ना वो होती बेसिकली आके किसके ऊपर है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर होती है, ठीक है जी। साइनस नोड से निकली और एट्री वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर ब्लॉकेज होती है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट डिग्री एवी नोड ब्लॉक का नाम देते हैं, एट्री वेंट्रिकुलर ब्लॉक का नाम देते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं जी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, इट इज़ ब्लॉकेज ऑफ द करंट एट एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है जी। माजरत यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक करेक्शन कर लूँ कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर सारी की सारी ब्लॉकेज नहीं होगी, ब्लॉकेज बंडल ऑफ हिस्स के अंदर भी होती है, प्रकंजी फाइबर्स के अंदर भी होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर भी होती है, और बस दफ़ा साइनस नोड के साथ भी जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सी ब्लॉकेज कहाँ पे होती है, ठीक है जी। ये करेक्शन आपने यहाँ पे देख लेनी है कि मुझसे मिस्टेक हुई थी, ये आपने देखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो है वो क्या है जी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर ये एट्री वेंट्रिकुलर नोड के ऊपर जो है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, अब अगर ये ब्लॉक है तो आपको पता है ना कि पी आर इंटरवल क्या होता है, वो दो चीज़ों का मजमू होता है, एट्रियल डिपरलाइजेशन एंड जो है डिले एट एट्री वेंट्रिकुलर नोड। यानी ये पी आर इंटरवल बेसिकली क्या है कि इस एट्रियम के अंदर जो करंट फ्लो का जितना टाइम लगा के आता है और उसके साथ एवी के ऊपर जितना वो आके जितनी देर रुकता है। अब अगर एवी ब्लॉक है, वो आगे एवी नोड ब्लॉक है, वो आगे करंट ही नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली ये जो एवी डिले होता है ये डिले मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको मैंने लिखा है इट विल गेट प्रोलॉन्ग ड्यू टू द ब्लॉकेज। अगर अगर ये इंक्रीज़ हो गया है तो इसके इंक्रीज़ होने से डेफिनेटली पी आर इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पी आर इंटरवल बढ़ेगा जब किसी का, तो अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मोस्टली बाकी चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, जस्ट पी आर इंटरवल क्या होता है जी, बड़ा होता है। तो बच्चों, जब पी आर इंटरवल बड़ा हुआ नज़र आएगा तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एट्रियल डिपरलाइजेशन भी स्लो हो सकती है और डिले जो है वो एट एवी नोड भी हो सकता है। तो जब भी ECG के अंदर आपको लगे कि पी आर इंटरवल मोर देन नॉर्मल है, मोर देन जो है वो 1.0.1 to 2.0 से ऊपर है, तो इससे मुराद है कि भाई एट्रियम ठीक से कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपके पास क्या है कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, कि एवी नोड के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ठीक है, अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि ब्लॉकेज तो जो है वो एवी नोड के ऊपर है, और फिर तो होना तो ये चाहिए ना कि अभी वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए, एवी आर पी आर इंटरवल के साथ क्यों पंगा हो रहा है, क्योंकि ये दो चीज़ों का मजमू है, डिलेड कंडक्शन का भी और उसके साथ जो है वो आगे
एट्रियम के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से भी, ठीक है। तो लिहाजा हमें नेट रिजल्ट जो प्रॉब्लम जो आके मिलता है वो पी आर के अंदर में मिलता है, और आगे जो है वेंट्रिकल के अंदर अगर करंट डिले होगा तो वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स के अंदर हमें चेंजेस नज़र आएंगी, ना कि पी आर इंटरवल के अंदर। तो नेट जो आपको मैं कंक्लूजन की बात बताऊँ वो ये है कि जब भी कभी आपको यहाँ पे पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ हुआ मिले, इससे मुराद है कि या तो एट्रियम के अंदर करंट फ्लो करते हुए एक प्रॉब्लम हुआ है, उसके साथ वो डिलेट हो गया, या एवी नोड के ऊपर जो है वो इशू हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम डेफिनेटली किसके साथ है, एट्रियम के साथ है, वेंट्रिकल के साथ नहीं है, ठीक है। इस तरह के ब्लॉकेज को हम किसका नाम देते हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, ये एक ईसीजी है, आप लोगों ने इसको खुद असेस करना है, ठीक है। चलें हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर ये वाली के दरमियान अगर हम बॉक्स देखें तो देखें, एक दो तीन चार और हाफ ये और हाफ ये, कितने हो गए इसके अंदर लार्ज बॉक्स, फाइव। फर्स्ट वन के दरमियान कितने हो गए, फाइव। सेकंड वन देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये सेकंड वन के दरमियान भी कितने हो गए जी, पाँच, ठीक है जी। इसी तरह से देखें कि इसके दरमियान देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, थर्ड वन के दरमियान भी कितने हैं जी, पाँच, ठीक है जी। और इसके दरमियान भी देखें, एक दो तीन चार और हाफ ये एंड हाफ ये भी कितने हो गए, पाँच, ठीक है जी। तो मोस्टली आप सब सबको भी अगर गिन के देखें ना, तो इनके दरमियान जो बॉक्स आ रहे हैं वो कितने हैं जी, वो पाँच ही हैं। तो फर्स्ट वन अगर हम चीज़ लिखें यहाँ पे, तो इसके अंदर हमें मिलता है कि रेगुलर है, रिदम जो है वो क्या है, रेगुलर है, ठीक है। अब अगर हम हार्ट रेट देखना चाहें तो हार्ट रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ट रेट के लिए डेफिनेटली आपको 300 300 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा जी, फाइव। तो ये जो आंसर आएगा आपके पास क्या आता है, 60 आता है, ठीक है जी। तो अब देखें इसके अंदर जो आपके पास हार्ट रेट हो गई वो क्या हो गई जी, हार्ट रेट क्या है, वो 60 है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ देखें कि यहाँ पे ये पी वेव देखें, सबके दरमियान आप पी वेव को देख लें, यहाँ पे पी वेव दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर बनी हुई है, और एम्पलीट्यूड में अगर देखें तो ये वन स्मॉल बॉक्स के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर लेंथ के अंदर है, एम्पलीट्यूड अगर आप देखें ऊपर नीचे तो वन स्मॉल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। इसी तरह दो स्मॉल बॉक्स के अंदर ये है, और नॉर्मल जो है वो एम्पलीट्यूड उसका वन स्मॉल बॉक्स का है। तो सब के अंदर आप शेप जब देखते हैं इसकी, तो क्या है, ये नॉर्मल है। पी वेव जो है वो क्या है जी, पी वेव मैं इसको एन देख लेता हूँ, नॉर्मल है, ठीक है। फर्दर देखें बच्चों कि अब आप यहाँ से शुरू हो रही है पी वेव, मैं इस पे देखता हूँ क्योंकि इधर एक लाइन पड़ी हुई है। देखें पी वेव यहाँ से शुरू हो रही है, इससे ये इस बॉक्स के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये पी वेव शुरू हो रही है, ठीक है, और इधर जाके ये जो है वो आर वेव शुरू हो रहा है। तो इसके दरमियान पांच, तो ये इस वाले लार्ज बॉक्स आ गए ना, ये वाले पांच लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स एक, क्योंकि लार्ज बॉक्स के अंदर पूरी बन रही है तो ये पांच हो गए, ठीक है। उसके बाद एक दो तीन चार, चार ये भी हो गए, यानी कि आप देख रहे हैं कि नाइन स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ये बन रहे हैं, ठीक है। तो नाइन मल्टीप्लाई आप अगर 0.04 करेंगे तो ये मोर देन नॉर्मल है, ठीक है जी। इसको करके देख लें आप कि 0.04 मल्टीप्लाई 9, तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, 9 4 ज़ार, ये आपके पास होते हैं 36 हैं। तो ये एटलीस्ट जो है वो 0.06 जो है वो ये होंगे, जबकि पी आर इंटरवल आपके पास 0.12 से एक्सटेंड करता है किस तक, 20 तक, ठीक है, 0.20, ठीक है। अब पी आर इसके अंदर बहुत प्रोलॉन्ग है, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये
एक और दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर बना हुआ है। जब दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर है तो 0.04 मल्टीप्लाई टू करेंगे तो ये 0.08 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्यू आर एस एम्पलेक्स भी आपके पास नॉर्मल हो गया, हार्ट रेट नॉर्मल नॉर्मल है, रेगुलर रिदम है, जस्ट पी वेव नॉर्मल है। जस्ट इशू किसके साथ है, किसके साथ है जी, पी आर इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है। पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होने से क्या हो जाता है बरादर, कि या तो एट्रियम के अंदर कंट्रक्शन कंडक्शन डिले हुई है या फिर पी ए वी नोड के ऊपर कंडक्शन डिले हुई है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो आपके पास मैसेज आता है इससे मुराद है कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है जी, तो अब देखें ये इंटरप्रटेशन इसकी, ये 60 इसकी हार्ट रेट है, उसके बाद जो है रेगुलरिटी है नॉर्मल, पी वेव नॉर्मल है, 36 इसके जिक्र में जब बन रहा है, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस ड्यूरेशन नॉर्मल 8 है, और इंटरप्रेट क्या हो सकता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हम कह रहे हैं। ये देखें जी एटियोलॉजी इसकी क्या होगी, प्रोलॉन्ग कंडक्शन डिले इन द एवी नोड और द बंडल ऑफ हिस आगे भी चल सकती है और पीछे जो है इंटर नोडल ब्रांच के अंदर ये हो सकता है। ठीक है जी, डेट्स इट। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिड्स टाइप वन को देखें, ब्लॉकेज ऑफ द कंडक्शन इज़ एट द ए वी नोड, इसके अंदर भी ए वी नोड के ऊपर ही कंडक्शन होती ब्लॉकेज होती है। कंडक्शन ऑफ द एट्रियम इज़ मिसिंग आफ्टर सम टाइम बिफोर द कंट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि ब्लॉकेज वही पीछे जो हम पढ़ के आए हैं कि पी आर इंटरवल ए वी नोड के ऊपर होती है, तो डेफिनेटली पी आर इंटरवल के अंदर जो है वो इशू हो सकता है। ठीक है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। दूसरे इसके अंदर ये होता है कि भाई एक दफ़ा मतलब सपोज़ करें ये एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ एक दफ़ा, इसके बाद जो है वो एक दफ़ा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, तीसरी दफ़ा एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ, तीसरी दफ़ा क्या हुआ जी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ। अब चौथी दफ़ा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे फोर्थ वन दफ़ा जो एट्रियम कंट्रैक्ट होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से जो है वो क्या होती है, बाज़ दफ़ा 1:4 के हिसाब से वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन क्या होती है, सॉरी एट्रियम की कंट्रैक्शन क्या होती है, मिसिंग होती है। इससे मुराद क्या है कि आपके एक पी वेव होगी उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसी तरह फिर पी वेव होगी फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा, फिर पी वेव होगी फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा, फिर जब फोर्थ पॉइंट पे आप देखेंगे तो पी वेव होगी नहीं, ठीक है, लेकिन क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इससे मुराद है कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि एट्रियम कंट्रैक्ट ही नहीं होता बीच में। ठीक है, एट्रियम क्या नहीं होता, कंट्रैक्ट नहीं होता बीच में। और देखें उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो द पी वेव इज़ मिसिंग आफ्टर एवरी फोर्थ क्यू आर एस कम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट द फिक्स्ड रेशियो, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड रेशियो होगा। ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि पी वेव दूसरे क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बाद मिस हो, तीसरे के बाद मिस हो, पहले के बाद मिस हो, लेकिन मोस्टली जो है फोर्थ वेव के फोर्थ वाला में जो है मिसिंग मिलती है, रिपीटेड स्टडीज़ के अंदर आया है, इसलिए ये चीज़ लिखी हुई, फिक्स्ड रेशियो नहीं है। तो बच्चों सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आपके पास दो चीज़ें होगी, एक तो इशू होगा क्यू आर एस कम्प्लेक्स के साथ, सॉरी पी आर इंटरवल के साथ, क्यू आर एस कम्प्लेक्स के साथ नहीं होगा, पी आर इंटरवल के साथ इशू होगा कि पी आर इंटरवल आपको प्रोलॉन्ग मिलेगा क्योंकि जो है वो इसके अंदर ए वी नोड के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है या ऊपर जो है एट्रियम के अंदर कंट्रक्शन जो है वो डिले हो सकती है। ठीक है, और सेकंड जो है वो आपको पी वेव मिसिंग मिलेगी। ठीक है, तो अब इस को आप देखें, ये अगर आप इसको देखें तो एक दो तीन चार पाँच पाँच ये हैं, एक दो तीन चार पाँच पाँच इधर हैं, इसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, ये सात वन हैं और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी, ये पाँच हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास हार्ट रेट जो है वो बीच में जो इसकी एक वेव आई है वो मिसिंग होने की वजह से प्रोलॉन्ग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, पी वेव के मिसिंग होने की वजह से आपके पास ये
प्रोलॉन्ग हो गया है, पूरा QRS कम्प्लेक्स के बाद जो है वो मिस है ये एक, ठीक है। सेकेंडली अगर आप इसकी हार्ट रेट देखें तो हार्ट रेट आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करके आपको ये 60 आएगी नॉर्मल के करीब, ठीक है जी। और उसके बाद अगर यहाँ पे पी वेव देखें तो पी वेव यहाँ पे ये दो वेव स्मॉल बॉक्सेस के अंदर, और एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखें तो एक स्मॉल बॉक्स के अंदर है, इधर भी सेम है और इधर भी जो है वो ये सेम है, तो इसकी वजह से नॉर्मल पी वेव है लेकिन मिसिंग है आफ्टर सम इंटरवल, ठीक है। और पी आर इंटरवल अगर आप देखें तो पी आर इंटरवल यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है, एक स्मॉल बॉक्स ये है और पाँच ये हैं, तो 6 स्मॉल बॉक्सेज के अंदर ये बन रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, इधर भी जो है वो ये मोर देन 6 स्मॉल बॉक्सेज के अंदर है, एक तीन ये आगे और तीन ये बल्कि 6 ही हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या होती है कि पी आर इंटरवल यहाँ पे आपको नॉर्मली आप देखते हैं ना कि 3 से जो है वो 5 के दरमियान 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 6 मिल रही हैं, तो लिहाजा पी आर इंटरवल यहाँ पे क्या है, प्रोलॉन्ग है, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई आपको कि एक तो पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग है, सेकेंड वन के है कि मिसिंग है आपकी पी वेव, ठीक है। एंड थर्ड वन जो आप QRS ड्यूरेशन देखें तो वो आपके 2 स्मॉल बॉक्सेज के दरमियान बनी हुई है या 1.5 के अंदर है, तो ये 1.5 मल्टीप्लाई 0.04 करेंगे तो आपको ड्यूरेशन जो मिलेगा 0.6 मिलेगा, 0.06। तो इस तरह से जो आपका तीन चीज़ें नॉर्मल हैं, हार्ट रेट जो है नॉर्मल है, QRS ड्यूरेशन नॉर्मल है, और रेगुलरिटी का थोड़ा सा इशू पी वेव मिसिंग होने की वजह से है, ठीक है। तो अब आप इसको इंटरप्रेट करके देखें कि हार्ट रेट जो है वो ये ब्रेडिकार्डिया के अंदर हो सकती है या क्या है जी, कि मोर नियर टू द 60 जो है वही आपके वो पास आ रही थी, ठीक है। और ये आप इसके हिसाब से भी देखें तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी हार्ट रेट होगी। इसी तरह से इरेगुलर है ये पी वेव मिसिंग होने की वजह से, पी वेव जो है वो यहाँ पे देखें कि नॉर्मल बट फोर्थ नो QRS कम्प्लेक्स, वो पी वेव के साथ जो है टोटल मिसिंग है। पी आर इंटरवल टोटल लेंथ ही होता है इसका, QRS ड्यूरेशन नॉर्मल है, और ये जो आपके पास इंटरप्रिटेशन इसकी बनती है सेकंड डिग्री मोबिट्स टाइप 1 जो है वो ब्लॉक बनता है ये, ठीक है जी। तो आगे चलें अगर हम सेकंड डिग्री टाइप 2 ब्लॉक के अगर देखें तो एट्रियम कंट्रैक्शन इज़ इंटरमीडिएटली मिसिंग, जिसके अंदर जो है क्या होता है कि आफ्टर इंटरवल जो है वो सेकेंड क्या होती है कि आपकी एट्रियम की कंट्रैक्शन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इससे डेफिनेटली पी वेव जो आपको मिसिंग मिलेगी, ठीक है। और नो पी वेव और नो पी आर QRS इंटरवल, QRS के साथ इसका कोई जो है वो इंटरवल आपको मिल गया, मैं प्रॉपर इसका लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखें इसके अंदर हार्ट रेट को अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को अगर आप डिवाइड करें 300 पे तो नियरली 40 के करीब आंसर आएगा, ठीक है। और रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको ये सारे तकरीबन, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन ये 9 है ये भी, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है जी। इस तरह से रेगुलर रिदम है। अच्छा अब देखें पी वेव शेप के अंदर नॉर्मल है, ठीक है जी, शेप के अंदर नॉर्मल है बट मिसिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो है वो अब ये तीन अब टॉपिक सी जो है वेव बन रही हैं, कोई पता नहीं कौन सी एक ओरिजिनल वेव है, ये भी एक टॉपिक पे वेव्स बन रही हैं, ये जो है वो यहाँ पे ये पी वेव है लेकिन QRS ड्यूरेशन इनके दरमियान में नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है वो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, और पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। QRS ड्यूरेशन चले नॉर्मल है, और इंटरप्रिटेशन इसकी जो बनेगी वो क्या है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो टाइप 2 मोबर्स है, ठीक है। इसी तरह जो है वो उसके बाद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को अगर हम देखें तो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एट द वेंट्रिकल लेवल, ठीक है। इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर जो है वो कंट्रैक्शन नहीं होती, बाकी सब के हम एट्रियम के प्रॉब्लम पड़ते हैं, इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। मीन नो आर द डिलेड कंडक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी या तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा या फिर डिलेडली कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन डू नॉट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द कंडक्शन ऑफ द एट्रियम, एट्रियम के साथ जो है कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करे, तो देयर विल बी
वाइड क्यू आर एस ड्यूरेशन, क्यू आर एस ड्यूरेशन इसके अंदर बहुत लेंथ ही होगा, एंड नो रिलेशन विद द पी वेव और नो रिलेशन विद द पी आर इंटरवल। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है जी, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, रिदम आपको जो है वो तकरीबन रेगुलर मिलेगा। ठीक है, और एट को आप 300 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन जो है वो 30s के अंदर इसकी जो है हार्ट रेट आएगी। ठीक है, और सिमिलरली जो है वो पी वेव अगर आप देखें, क्यू आर एस ड्यूरेशन देखें, तो ये देखेंगे ये कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तकरीबन 6 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ये बन रहा है, जो कि मोर देन नॉर्मल है, क्योंकि वो 1 to 4 जो है वो, ये 1 to 3 जो है वो स्मॉल बॉक्सेस के दरमियान क्यू आर एस ड्यूरेशन बन रहा होता है। और पी एंड पी अगर देखें तो यहाँ पे ये पी वेव है, उसके बाद यहाँ से ये, तो तकरीबन 10 से 12 जो है वो ये स्मॉल बॉक्सेस पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल 4 से 5 हैं। ठीक है, 3 से 5 है। ठीक है, तो ये जो है वो एक तो प्रोलॉन्ग आपको क्यू आर एस ड्यूरेशन मिल रहा है, दूसरा जो है पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, चलें पी वेव नॉर्मल है, हार्ट जो है वो ये ब्रैडीकार्डिया के अंदर है। तो ये देखें रेगुलर रिदम, हार्ट रेट जो है वो तकरीबन 40s के अंदर है, पी वेव नॉर्मल है, बट नो रिलेशन टू जो है वो क्यू आर एस रिलेशन, क्यू आर एस कम्प्रेस है, पी आर इंटरवल बहुत प्रोलॉन्ग है, कोई जो है वो और उसके बाद जो है वो क्यू आर एस ड्यूरेशन अगर देखें तो वाइडर देन जो है वो 1.5 है। ठीक है, तो ये आपके पास 1.2 सेकंड से ये वाइडर है, तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है जी, तो अब बच्चों ये देखें कि दिस इज़ द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द कंडक्शन इन द एट्री वेंट्रिकुलर जंक्शन, सो द एट्रिया एंड द वेंट्रिकुलर फ्रॉम द इम्पल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर विदाउट इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया, द वेंट्रिकल ऑन इंट्रेंसिक पेसमेकर के सेंटर अराउंड 30 to 35 बीट्स। ठीक है जी, इन अ मिनट, तो यानी कि एक टॉपिक सी कंडीशन शुरू हो जाती है वेंट्रिकल की जो है कंट्रैक्शन अदर देन फ्रॉम द एट्री वेंट्रिकुलर नोड जो होती है, फिर जिसको हम पेसमेकर लगा के सेट करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको आपने बुक से भी पढ़ना है, ईसीजी का आपका आविष्कार टाइटल ख़त्म होता है, ईसीजी के ऊपर एक टेस्ट होगा, ब्रीफ डिस्कशन होगी, हम एक जो है वो करेंगे जूम की क्लास अरेंज करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट भी लेंगे, और बुक को भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये जितना भी मटेरियल मैंने पढ़ाया है बुक के ऊपर, तो आपने पहले भी पढ़ के देखा है कि ना तो इस मटेरियल से ज़्यादा लिखा हुआ है ना कम लिखा हुआ है, थोड़ी सी डिटेल जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है बुक को आपको पकड़ेंगे तो एक बुक में से जो समरी निकालेंगे तो समरी इससे ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन बुक जो मैंने आपको सेंड की हुई है आपने पढ़नी है, बुक मुझे भी सेंड करनी है आप लोगों में से किसी एक ने, ठीक है, कोई एक मुझे सेंड कर दे, मेरे पास रिलेट हो गई है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, कल जूम की क्लास इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे।